भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईसीसी ने आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन सौरव गांगुली को नियुक्त किया है। बीते करीब एक दशक से इस पद पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले थे, अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। आईसीसी ने बुधवार को जारी प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया है कि अब सौरव गांगुली आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के मुखिया होंगे। उससे पहले इस पद पर अनिल कुंबले थे। अनिल कुंबले ने 3-3 साल का 3 बार का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 9 साल से अनिल कुंबले इस पद पर बने हुए थे, लेकिन अब बीसीसीआई चेयरमैन सौरव गांगुली की ये बड़ी जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि वे बीसीसीआई के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्योंकि इसी कारण से उनको आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन चुना गया है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने सौरव गांगुली की नियुक्ति को लेकर कहा, मुझे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के पद पर सौरव गांगुली का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक और बाद में एक प्रशासक के रूप में उनका अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए अपने क्रिकेट निर्णयों को आकार देने में मदद करेगा। मैं पिछले 9 वर्षों में अनिल कुंबले के उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसमें DRS के अधिक नियमित और लगातार आवेदन के माध्यम से इंटरनेशनल क्रिकेट में सुधार और संदिग्ध गेंदबाजी क्रियाओं को संबोधित करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया शामिल है। आईसीसी ने यह भी जानकारी दी कि अब आईसीसी वुमेन सब कमेटी को आईसीसी वुमेन क्रिकेट कमेटी के रूप में जाना जाएगा और वह वुमेन क्रिकेट की रिपोर्टिंग के लिए सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी सीधे CEC को देगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज के CEO जॉनी ग्रेव को आईसीसी महिला क्रिकेट समिति में नियुक्त किया गया है। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।